सब्सक्राइब कर दो ये चैनल, चाहते हो अगर मजा तो दबा दो ये बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज एक नए व्लॉग के साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं लोगों से क्वेश्चन आंसर करूंगा और छोटी छोटी चीज़ें गिव अवे दूंगा, आज मेरा इरादा है कि मैं दो बिरयानियां पब्लिक में क्वेश्चन करूं और उसके बस दो बिरयानी दूं, और बिरयानी जो है ना पैक हो रही है तो बिरयानी लेके निकलते हैं और चलते हैं पब्लिक में, और उसके बाद जाके क्वेश्चन आंसर करते हैं। जिसने क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया उसको हम बिरयानी गिव अवे करेंगे, बिरयानी देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिरयानी कैसे पैक हो रही है, तो चले मेरे साथ। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बिरयानी कैसे पैक होती है, और बिरयानी पैक हो रही है, आए चलते हैं किचन में। ये बिरयानी पैक हो रही है, कर दो यार दो बिरयानियाँ पैक कर दो ख़याम रेस्टोरेंट। ये भी बिरयानी पैक हो रही है, अभी मैं बिरयानी लेके साथ मेरे लड़का है तो वो वीडियो बनाएगा, और बिरयानी अभी लेके चलते हैं और देखते हैं कि कौन क्वेश्चन के जो आंसर है वो ठीक देता है। और ये उसके साथ रायता भी डाल रहा है, और फिर हम अपने रेस्टोरेंट की बिरयानी गिव अवे करेंगे। ये बिरयानी लड़के ने ले ली है और अब ये चलेगा मेरे साथ और हम चलते हैं पब्लिक में क्वेश्चन आंसर करने, तो आ जाए मेरे साथ। तो गाइस बिरयानी मैंने ले ली है लड़के ने, लड़के के हाथ में बिरयानी है, और अभी हम चलते हैं और कोई क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो देखते हैं कि कौन क्वेश्चन का आंसर ठीक देता है। गाइस मैं सर्च कर रहा हूँ कि मैं किससे सवाल करूँ, हम वहाँ पर चलते हैं, वो काफ़ी बड़ी मार्केट लग रही है, रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड के उस तरफ जाके जो है ना क्वेश्चन आंसर वगैरह करते हैं और देखते हैं बिरयानी कौन जीता है। दो बिरयानी है आज, ये देखें जरा कैसे रेस्ट कर रहा है ये भाई, चेक करें जरा। तो गाइस मैं जो आ गया हूँ एक भाई के पास जो कि फूलों का काम करते हैं, और इनसे आए बात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और देखते हैं ये बिरयानी जीत पाते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? हम हैं गुजर खाम से, इधर फैसलाबाद में काम करते हैं, फ्लावर का काम करते हैं। ठीक है। अच्छा सर मेरा छोटा सा सेगमेंट है, मैं यूट्यूब पे लाइक पब्लिक से क्वेश्चन वगैरह करता हूँ, और जो क्वेश्चन वगैरह का आंसर जवाब ठीक देता है हम उसको कोई ना कोई छोटी सी चीज़ गिव अवे करते हैं, लाइक खाने पीने की चीज़ होगी कोई भी छोटी चीज़ ना हम देते हैं। तो मैं आपसे कुछ पाकिस्तान के वाले से क्वेश्चन आंसर करूँगा, अगर आपका उसमें से जवाब ठीक हुआ तो आपको मैं एक बिरयानी दूंगा, चिकन बिरयानी ख़याम रेस्टोरेंट की। तो आप तैयार हैं आपसे क्वेश्चन करूँ मैं? हाँ जी हाँ जी बोले। ठीक है। पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, सुबह पंजाब, सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान या सुबह खैबर पख्तूनख्वा? पेशावर में। नहीं शहर नहीं, मैं सूबे की बात कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन दोबारा सुने, पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, सुबह पंजाब, सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान या सुबह खैबर पख्तून? सुबह पंजाब। ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा अब आपसे मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, तो भाई मनाजर हुसैन ने एक क्वेश्चन का जो जवाब है वो गलत दिया, अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, तो क्या ये इस क्वेश्चन का ठीक जवाब देंगे और बिरयानी जीत पाएंगे, तो आए इनसे दूसरा सवाल करते हैं। सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है, रेवड़ी में, लाहौर में, खानेवाल में या कराची में? कराची में। ये जवाब भी आपका गलत था। चले जी इनसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दो सवाल के जवाब गलत दिए थे, अब इनसे आखिरी क्वेश्चन करते हैं और फिर लेते हैं इनसे इजाजत। तो भाई जान पाकिस्तान में कितनी जुबानें बोली जाती हैं, 40, 50, 60 या 70? 60। ये भाई का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया है, और इन्होंने आखिरी क्वेश्चन में से ठीक दिया है, मुझे इनको बिरयानी अब देनी चाहिए क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत की है इन क्वेश्चन वगैरह के लिए, तो हम इनको अब बिरयानी देते हैं। तो गाइस भाई ने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक दिया लास्ट वाले का, क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत की और मैंने इनको ऑप्शन भी दी और दोबारा इनको सोचने के लिए कहा, ख्याम रेस्टोरेंट की बिरयानी इनको अब दे रहे हैं, और ये ले भाई आपकी बिरयानी और अभी मजा आएगा ना भिड़ो, गर्मा गर्म बिरयानी। और आपकी दुकान का नाम क्या है? झूलेलाल फ्लावर शॉप। झूलेलाल फ्लावर शॉप, ठीक है। और ये बड़े बड़े अच्छे इन्होंने फ्लावर सजाए, आप इनके पास जरूर मस्ट विजिट करें। थैंक यू सो मच। ओके जी मेहरबान। तो गाइज हमने क्वेश्चन किया फूलों वाले से, अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसी और के पास और क्वेश्चन करते हैं, और हमारी एक बिरयानी पड़ी है, हम वो बिरयानी उनको गिव अवे करेंगे, तो आए आगे चलते हैं। तो गाइज अब हम गली में आए हैं, और गली में एक मैंने बार-बार शॉप पे जो भाई खड़े क्वेश्चन आंसर करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या करते हैं और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जान आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम चांद है, फैसलाबाद से हूँ मैं। ठीक है। और आप करते क्या हैं? सलून का काम है मेरा। कहाँ पे आपका सलून? मेरा सलून है ये, मेरा सलून। अच्छा ये आपका सलून है चांद एलेक्स हेयर क्लब, ये दिखाएं जरा, इनका अपना सलून है। और अब हम इनसे क्वेश्चन वगैरह करते हैं,
और उसके बाद अगर इन्होंने ठीक जवाब दिया तो हम इनको ख्याम रेस्टोरेंट की बिरयानी देंगे और गर्मा गर्म बड़ी मज़ेदार बिरयानी है। तो गाइज अब हम चांद भाई से क्वेश्चन पूछने लगे हैं और देखते हैं ये इसका आंसर ठीक दे पाते हैं या नहीं। चांद भाई, पाकिस्तान में कितने फीसद आबादी देहात में रहती है, 40%, 50%, 60% या 70%? पता नहीं। 50%। आपका ये आंसर गलत है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी होगा, अगर वो आप ठीक देंगे तो आपको ख्याम रेस्टोरेंट की गर्मा गर्म बिरयानी मिलेगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चांद भाई, पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात कब हुए, 1960 में, 1965 में, 1968 में या 1970 में? कठिन है, बहुत कठिन है रोहित। 1965 में। ये क्वेश्चन भी चांद भाई का गलत हुआ है, इसका मतलब बिरयानी ये नहीं जीत पाए। बिल्कुल चुप। आपको बिरयानी जो है, आपसे कहते हैं तो आपसे एक और क्वेश्चन कर लें। नहीं। कर ले, चले आपसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो गाइस चांद भाई से एक आखिरी तीसरा सवाल पूछते हैं, देखते हैं अब इसका आंसर ये ठीक दे पाते हैं या नहीं। तो चांद भाई, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, चौथे पर या छठे पर? दूसरे पर। चांद भाई मुझे लगता है आज इन्होंने अपना कसम खाई है कि मैंने बिरयानी नहीं खानी। चल झूठा। तीनों गलत। हाँ जी, तीनों सवाल आपके गलत है, तो आप हमारे बिरयानी के हकदार नहीं हुए। तो अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अब हम आगे चलते हैं और आपसे लेते हैं इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह। और आप थोड़ा सा बता दें कि आपकी शॉप कहाँ पे है? मेरी सूसा रोड, फजाने मदीना चौक में, चांद अलेक्स हेयर क्लब। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो गाइज अब शाम हो चुकी है और मैं क्वेश्चन, मेरा आखिरी बिरयानी है, ये दो बिरयानी थी, एक चलेगी, एक भाई नहीं जीत सके और आखिरी बिरयानी है। देखते हैं कि ये भाई शर्ट का काम करते हैं और ये जीत सकते हैं या नहीं बिरयानी। तो आए इनसे क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है आपका, कहाँ से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मेरी ये नज़दीक ही बिस्मिल्लाह चौंक है, वहाँ से। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अदील साजिद। अदील ठीक है, मैं एक मिनट बिरयानी यहाँ पर रख दूँगा। इस भाईजान मैं पब्लिक से क्वेश्चन वगैरह करता हूँ और जो उस क्वेश्चन का आंसर ठीक करता है तो हम उनको गिव अवे करते हैं। लाइक मेरा अपना रेस्टोरेंट है ख्याम रेस्टोरेंट सुसान रोड पर। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर, हम फर्स्ट। तो उसमें जो मेन्यू आइटम्स है, कभी बिरयानी गिव अवे कर दी, कभी रशियन सैलड कर दी, कभी 10% डिस्काउंट दे दिया, जो क्वेश्चन का आंसर ठीक देगा। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप करें। ठीक है ठीक। तो चले अदील भाई से क्वेश्चन करते हैं। अदील, पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? मैं नहीं बताऊंगा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी? आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी। आपका क्वेश्चन ठीक हो गया है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन ठीक हो गया, अब हम आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे और आपको गर्मा गर्म बिरयानी देंगे और आप जो है ना बिरयानी को एंजॉय करेंगे। ठीक है, हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई से एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये उसका जवाब ठीक देते हैं या नहीं और बिरयानी जीत पाते नहीं। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कब बनाया गया, 14 अगस्त 1967 में, 14 अगस्त 1966 में, 14 अगस्त 1968 में या 14 अगस्त 1970 में? आई थिंक क्योंकि आपने नहीं है, मुझे क्या कह रहे हैं, इसका नॉलेज नहीं है ज्यादा कुछ। चले मैं आपके लिए ऑप्शन दो कर देता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, कि आप जो है ना, आपने पहले का सवाल आपने जवाब ठीक दिया तो आपके लिए मैं दो ऑप्शन कर रहा हूँ, उस दो में से आपको चूज कर लें। चलिए, इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कब बनाया गया, 14 अगस्त 1967 में या 14 अगस्त 1970 में? आई थिंक 67 में। ठीक है यार, ये भाई तो माशाल्लाह बहुत समझ आ रहा है, ये बिरयानी जीत चुके हैं यार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ठीक है भाई जान। तो गाइज अब हम भाई को बिरयानी देंगे, आप दो ना, आप दो ना। और इनके रिव्यू लेते हैं अपने कंटेंट के बारे में। तो भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जी माशाल्लाह, ये आपने जो स्टार्ट किया है सेगमेंट वगैरह, ये बहुत ही अच्छा है, लोग इंटरटेन होते हैं और बेहतर जो ये बात है कि लोगों के ना नॉलेज में इजाफा होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है भाईजान, थैंक यू सो मच। अब हम भाई को ख्याम रेस्टोरेंट की बिरयानी देने लगे। ये ले भाईजान आपकी बिरयानी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। फैजाने मदीना के सामने सुसा रोड पर इनका गारमेंट्स का काम है, तो आप जब भी आपका चक्कर लगे फैसलाबाद या फैसलाबाद के लोग, तो आपने जरूर विजिट करना और ख्याम रेस्टोरेंट को नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। तो गाइस क्वेश्चन आंसर करते करते रात हो गई थी और हमने अपने सेगमेंट का किया इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप चलते हैं रेस्टोरेंट में और कुछ खाना वगैरह खाते हैं, कुछ रेस्ट वगैरह करते हैं। और ये जुनेद था, जुनेद हमारे पास ही एज ए वेटर जॉब करता है और ये काफ़ी अच्छा लड़का है,
इसने सारी वीडियो बनाई है। जुनैद कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा चलो इन्जॉय द वीडियो। गाइज मैं रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ और काफ़ी थक गया हूँ। शाम से तकरीबन 3 घंटे लगे इसको शूट करते हुए आज की वीडियो को। तो अभी मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, खाना वगैरह खाता हूँ रेस्टोरेंट पे ही अपने। आज काफ़ी मज़ा आया मुझे। अभी और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। बड़े बड़े मज़े के सवाल होंगे तो हम पब्लिक से करेंगे और गिव अवे करेंगे। लाइक काफ़ी चीज़ें मैं जो है ना आवाम को बांटूँगा। पैसा ही पैसा होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने चैनल को सपोर्ट करना है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दो ये चैनल, चाहते हो अगर मजा तो दबा दो ये बेल आइकन।